हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HS सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12th एडुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे ही चैप्टर से। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने 1 मार्क वाले और 2 मार्क वाले ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उसको भी जाकर जरूर चेकआउट करना। साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी जो हम लोगों ने वीडियो बना रखे उनको भी चेकआउट करना, तभी जाकर ना आपका एग्जाम जो इस साल फाइनल है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे हमारे कॉमन क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करके पूछ सकते हो। इस PDF की अगर लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर छोटी सी पेमेंट करके आप लोग ये PDF ले सकते हो, जिसमें आप लोग को मिल जाएगा 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ना हम लोग ईयरली क्वेश्चन से क्वेश्चन को इकट्ठा किया है 2014 से लेकर 20 के बीच में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंशन 4 प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द सजेशंस मेड बाय कोठारी कमीशन रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी विथ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब 4 मेजर्स फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। डिस्कस 4 सब्जेक्टिव कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। उसके बाद व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। और यहाँ पे जो 7th यूनिट है वहाँ से आप लोगों को जो ना बार डायग्राम या तो पाई डायग्राम, या तो पाई डायग्राम है, आगे मैं दिखाऊंगा, बार डायग्राम भी आ सकता है, पाई डायग्राम भी आ सकता है इस तरीके के, या फिर मीन निकालना भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करना। इन सब सारे चीज़ों को ना मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है Chapter 7 बोल के। Chapter 7 का नाम पूरा लिखना, ठीक है, स्टेटिस्टिकल एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आपको जो ना यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऑफ एजुकेशन क्लास 12 HS सेकेंडरी लिखोगे तो मिल जाएगा, उससे उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हमारा, सजेस्ट 4 मेजर्स टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम। उसके बाद व्हाट आर द सजेशन फॉरवर्डेड बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है बार डायग्राम का जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, आधा क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन प्रेजेंट सोसाइटी। What are the objective of physical education? Discuss. फिर mention 4 important characteristics of open education. बहुत important है ये। Mention 4 major objectives of environmental education. ये भी बहुत ज़्यादा common question जो कि repeat होते रहते हैं। Interest is preconditioning of attention. Explain करना हमें। Discuss briefly the educative value of law of readiness of learning. Distinguish between trial and error. एंड इंसाइटफुल लर्निंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया ये क्वेश्चंस। तो डिफरेंस बिटवीन तो हो सके तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना ही जाना। उसके बाद व्हाट इज़ बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या है। डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंट टाइप्स। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। बहुत अच्छे से देखना इन सब सारे क्वेश्चंस को। फिर जाके फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, जैसे कि मैंने बताया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हो गया, बार ग्राफ हो गया, फिर हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में जो ना वो रिपीट होते हैं। डिस्कस अबाउट 4 मेजर्स ऑफ इम्पार्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मेंशन 4 डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। पॉइंट आउट मुदालियर कमीशन ऑफ 1950-53। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What were the suggestions made by Kothari Commission to relate productivity education? Absence of attention indicates absence of interest. Discuss करना है हम लोगों को। फिर उसके बाद what is insight? Mention 3 characteristics of insightful learning. How is learning possible through trial and error? Explain with example. A mental healthy person is also in need of mental hygiene. Give reason. What are the bearings of conditioning in class? रूम लर्निंग डिस्कस। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। तो ये कई बार जो ना 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, कई बार 4 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं।
फिर यहाँ पे देखो पाई चार्ट, एक और पाई चार्ट आ गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से देख के जाने। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डिस्कस व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस थ्री मेजर्स टू इम्पार्ट फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। ये पाई चार्ट देख लेना अच्छे से। राइट फोर प्रोविजंस ऑफ आसाम सेकेंडरी एजुकेशन 1961, व्हाट इज वैल्यू, डिस्कस ब्रीफली द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन प्रेजेंट सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट फोर इंपॉर्टेंट एरियाज विद इन द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फोर ऑब्जेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ अटेंशन। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखना, क्योंकि वुमेन देखो कितने बार क्वेश्चन आया है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ना, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना। अटेंशन एंड इंटरेस्ट आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक्सप्लेन करना हमें इस स्टेटमेंट को। इंसाइटफुल लर्निंग क्या है, लर्निंग बाय इंसाइटफुल इंसाइट, मेंशन करना है लिमिटेशंस ऑफ इन लर्निंग, मैं इस मेथड का लर्निंग, ठीक है। फिर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अलग अलग पार्ट, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज बार डायग्राम, बार डायग्राम क्या है, इसके टाइप्स क्या है, एक्सप्लेन करना है। राइट फोर फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसाम एज इन गिवन इन द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1961। फिर ड्रॉ करना हिस्टोग्राम, तो मैंने बताया जैसे जो जो ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ और पाई चार्ट बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्राइब द सजेशंस गिवन बाय मुदालियर कमीशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनलाइजेशन एफिशिएंसी अमंग द स्टूडेंट्स। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को ना अगर आप देख लेते हो तो ज़रूर है इसमें से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस जो ना आप लोग को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें आप लोग को मिलेगा 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को देख के जाना चाहिए, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी सारे जो भी वीडियो हमने उन्हें बना रखे हैं उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। 1 मार्क और 2 मार्क वाले ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 4 मार्क वाले हैं, है ना। और भी चैप्टर वाइज भी हमने जो एक्सप्लेन कर रखे हैं उनको भी देखना मत भूलना। इन सब सारे क्वेश्चन को या फिर वीडियोज़ को देख लोगे ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, जैसे कि हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन गिरते हैं, इसमें भी ज़रूर गिरनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो ना आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।